अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सारे। उम्मीद करती हूँ अपने घर में ठीक ठाक भी होंगे और खुशबाश भी, सेहतमंद भी। ये देखें, मैं आपके लिए कितना प्यारा पैटर्न लेके आई हूँ। ये जो है, ये देखें सामने से ऐसे डायमंड से बनते आते हैं और टेक्सचर्ड है ये, वो बहुत सॉफ्ट बना है। तो ये 6+6, 6+6 जो है, और प्लस 2 एक्स्ट्रा एज स्टिचेस और प्लस 2 एज स्टिचेस, ठीक है। तो ये आप 6+ जितने मर्जी फंदे बीच में डाल लें। और ये पीछे से ऐसा दिखता है और सामने से ऐसे। आप देखें, आप लेडीज़ कार्डिन में बना सकते हैं, बेबीज़ कार्डिन में बना सकते हैं, ब्लैंकेट में बना सकते हैं आप। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी है। तो इसके लिए मैंने 20 फंदे डाले हैं, ये सिखाने के लिए आपको। तो क्या करेंगे, मैंने 2 सिलाइयाँ जो है वो स्टॉकिंग स्टिच में बना ली हैं, यानी सामने से सीधी और बैक साइड से, यानी रॉन्ग साइड से उल्टी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहला हम स्लिप करेंगे और 3 सीधे बनाएंगे, 1, 2 और 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस 2 जो फंदे हैं इनमें आपने 3-3 फंदे निकालने हैं, ठीक है। तो ये देखें, ऐसे 1 निकाला, ऐसे लूज सा करें, और फिर जानवर किया और एक और सीधी सीधा बना लिया आपने उसी फंदे को, ठीक है। उसके बाद इस फंदे पे हम 3 निकालेंगे, एक दफ़ा बनाया सीधा आपने, जानवर किया, फिर दूसरी दफ़ा फिर सीधा बना लिया, ठीक है। तो 3-3 फंदे हमारे देखें बन गए। अब आपने 4 सीधे बनाने हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब ये जो 2 फंदे हैं ना, इनमें फिर हमने 3-3 निकालने हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा सीधा बुना, उसके बाद फिर दोबारा सीधा बुना, यार्न वर्क करने के बाद ये देखें 3 फंदे बन गए। फिर इसमें अगले फंदे भी 3 बनाएं। अब आपने 4 फिर सीधे बनाने, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। उसके बाद आपने इन 2 फंदों में फिर 3-3 फंदे बनाने, एक हमने लूप निकाला, यार्न ओवर किया, फिर दूसरा लूप निकाला ऐसे। इसमें भी आपने 3 फंदे बनाने, 1 और यार्न ओवर, और दूसरा फिर आपने नीट कर लिया, ठीक है। अब आपने 3 सीधे बना लेने, 1, 2 और 3, ठीक है। और आखिरी एच स्टिच बेशक आप उल्टा बना लें। अब पलट जाएं, ये हमारी रॉन्ग साइड है। पहले को आप स्लिप करें और 3 उल्टे बनाएं, 1, 2 और 3, ठीक है। ये देखें, अब आप देखें, ये 3 हमने 3-3 फंदे बनाए ना, एक एक फंदे से निकाले थे ये वाले, इनको आपने बस इनको आपने ऐसे उतार लेना है, स्लिप कर लेना है, इनको बुनना नहीं है, ठीक है, ऐसे। और आगे ये 4 फंदे उल्टे, इनको 4 को उल्टा बना लें, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद फिर ये 6 फंदे इस तरह आ गए, इनको फिर आप स्लिप करें, ठीक है, इनको नहीं बनाना। आगे फिर 4 सीधे उल्टे हैं, इनको उल्टा बनाएं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। उसके बाद आपने ये फिर 6 जो के फंदे हैं इनको आपने स्लिप करना है, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, ठीक है। अब आपने 3 उल्टे बनाने, 3 और 1 जो है वो भी बेशक उल्टा बना लें। चलें, ये हमारी सेकंड रो थी, अब हमारी थर्ड रो है, ठीक है। अब देखें, गौर से देखें क्या करूँगी मैं। आपने पहला स्लिप कर लेना है, ठीक है, 1 सीधा बनाना है आपने, ठीक है। अब इन 2 फंदों को और इन 3 फंदों को आपने
क्रॉस करना है। कैसे करना है, इनको जो जो तीन फंदे हैं इनको आप पहले उठाएंगे ऐसे नीडल पे लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने लिया कि देखिए ऐसे, और जो पीछे दो फंदे हैं उनको आपने ऐसे उतार देना है, ठीक है। और ये फिर पीछे से बैक से आपने इनको लेफ़्ट नीडल पे लेना है, इनको यहाँ पे देखें क्रॉस हो गए। अब क्या करूँगी मैं, इसको जो तीन फंदे हैं इनको पहले बनाऊँगी, ठीक है, ऐसे करके सामने से बैक लूप से ऐसे इनको मैं सीधा बना लूँगी, तीनों का एक एक ही एक ही दफ़ा बनाना सीधा, ठीक है। उसके बाद ये दो जो फंदे हैं इनको आपने सीधा बुन लेना है। अब ये जो दो फंदे हैं, ये जो हमने चार फंदे सीधे बनाए थे बीच में, इन तीन फंदों को और इन दो को क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, ये दो जो फंदे इनको पहले हम यहाँ पे आगे लेके आएंगे, तो पीछे से हम इनको ऐसे, ठीक है, इनको ऐसे पकड़ लेंगे और फिर आप इन तीन फंदों को छोड़ दें ये जो हैं, और इनको लेफ़्ट नीडल पे ऐसे ले लें, ऐसे क्रॉस हो गए, ठीक है। अब इनको जो दो फंदे आप इस साइड पे लेके आएंगे ना अपनी तरफ, इस साइड पे ये इनको पहले बुन लेंगे इनको सीधा ऐसे, और ये जो है इनको बाद में ऐसे करके आपने सीधा बुन लेना है, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं एक दफ़ा ऐसे, ये देखें ऐसे ये बन गया ये। अब आपने फिर दोबारा क्रॉस करना है, ठीक है, इन तीनों को आगे से आपने इधर लेके आना है और इन दो को पीछे से आपने उधर लेके जाना है, ठीक है। तो हम इनको पहले ग्रैब करेंगे ऐसे, और वो जो दो जो है ना पीछे से उनको हम छोड़ देंगे, और बाद में उनको फिर लेफ़्ट नीडल पे ले लेंगे, ठीक है। ऐसे और ऐसे, ठीक है, और इनको आप पहले बना लेंगे ऐसे आगे से ऐसे लूप पकड़ के ऐसे, और ऐसे बना लेंगे सीधा, तीनों का एक करेंगे, फिर दो सीधे बनाएंगे, ठीक है। अब आपने ये फिर ऐसे करने क्रॉस करना है इनको, इन दो को इधर लेके आना है पीछे से ऐसे, और इनको तीनों को आपने इधर लेके आने ऐसे। अब इन दो जो पहले हैं इनको हम सीधे को पहले बना लेंगे, सीधा बुन लेंगे एक और ये दो, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इन तीनों को भी, तीनों का एक करना है बैक लूप से ऐसे बनाते हुए ऐसे, ठीक है, ये देखें। अब फिर ये जो है इनको आपने क्रॉस करना है, इनको इधर लेके आना है, इनको पीछे लेके जाना है, ठीक है। तो इनको हम पहले उठाएंगे ऐसे तीन जो हैं, और इनको दो को जो उतार लेंगे, और इनको छोड़िएगा मत, इंसान फिर तो लूज़ हो जाते हैं, वो फिर गुम हो जाते हैं, ऊपर से आप उनको कैच नहीं कर सकते, जैसा मेरे अभी हुआ था ना पहले। अच्छा, अब इनको आपने ये जो तीन है ना इनको आपने पहले सीधा बुनना है बैक लूप से, ठीक है, ए ऐसे, ठीक है। फिर ये दो सीधे जो हमने उधर टर्न किए थे उनको फिर सीधा बना लें। अब ये जो है इनको भी क्रॉस करेंगे, ये पहले इधर लेके आएंगे पीछे से, और इनको आगे से लेके आएंगे, ठीक है। तो इनको हम ऐसे लेके जाएंगे, और ये जो हैं इनको ऐसे लेके आएंगे, ऐसे क्रॉस हो गए। अब इनको पहले हम सीधा बना लेंगे इन दो फंदों को ऐसे, एक और ये दो, और इनको बैक लूप से इन तीनों को इकट्ठा हम जो है बनाएंगे ठीक है, और इनको हम खड्डा तीन का एक कर लें, और आखिर में आपने एक सीधा बनाना है
और एच स्टिच बनाना है, ये एच स्टिच, ठीक है, उल्टा बना लें। अब आपने ये रो पूरी उल्टी करनी है, पूरी रो उल्टी करनी है, ठीक है। तो इसको मैं उल्टी बना के ना पूरा मतलब पर्ल करके तो मैं फिर सीधे तरफ आती हूँ, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें मैं उल्टी तरफ से पूरी उल्टी रो करके आ गई हूँ। अब मैं है राइट साइड पे हूँ, ये देखें अब तो हमारा ऐसा बन गया है, ठीक है, ये देखें। अब हम क्या करेंगे, इसको उतारेंगे, एक सीधा बनाएंगे, ठीक है। और ये जो फंदा है ना जहाँ से ये, इसमें हमने तीन लूप्स निकालने, ठीक है, एक और ये ऑन ओवर किया और दूसरा, ठीक है। अब हम चार सीधे बनाएंगे, एक दो तीन और चार, और ये दो जो फंदे हैं इन तीनों में तीन तीन बनाने हैं, दोनों में, इसमें भी तीन फंदे और इसमें भी तीन फंदे, ठीक है। अगर हाथ ढीला रखिएगा, ज़रा कस जाए तो फिर वो बाद में मैनेज नहीं होता, ठीक है। ये हमने तीन फंदे बना लिए, उसके बाद इसमें भी तीन फंदे बनाने हैं, एक और दो, ठीक है। उसके बाद फिर चार सीधे, एक दो तीन और चार। अब इन दो फंदों फिर तीन तीन बनाएंगे, ठीक है, एक तीन बना लिए, उसके बाद इस फंदे में भी तीन बनाएंगे, ये एक बनाया सीधा यान ओवर किया और दूसरी दफा सीधा बनाया, ठीक है, ये देखें तीन तीन बना लिए हमने। अब फिर आपने चार सीधे बनाने हैं, एक दो तीन, तीन और चार सीधे। और ये जो फंदा है जिसमें ऑलरेडी ये पत्ती सी बनी हुई है, इसमें फिर दोबारा तीन बनाने हैं, एक दफ़ा सीधा बनाया यान ओवर किया और दूसरी दफ़ा सीधा बनाया ऐसे, ठीक है, और एक सीधा और अगर जो है यान ओवर जो एच स्टिच है वो उल्टा बना लें, ठीक है। ये हमारी फिफ्थ रो थी, ठीक है, अब हमारी सिक्स्थ रो है। अब ये हमने इसमें जो है वो स्किप करने हैं, ठीक है। अब ये जो तीन एक एक उल्टा बनाएंगे, एक उल्टा बनाएंगे और इनको स्लिप करेंगे, ये जो तीन हमने फंदे बनाए थे ना इसको स्लिप कर दिया। अब चार उल्टे, एक दो तीन और चार, ठीक है। अब फिर इनको तीन को स्लिप करें और इन तीन को भी स्लिप करें, ठीक है, इनको नहीं बनाना। आगे फिर चार उल्टे, और तीन और चार, फिर स्लिप करें आप इनको तीन को, एक दो तीन और एक दो तीन। आगे चार उल्टे, और एंड पे जो तीन हमने बनाए थे ये इनको उतार लें, और एक उल्टा और एच स्टिच भी उल्टा, पलट जाएं। अब हमारी सेवंथ रो है, एक स्लिप करें और एक सीधा बनाएं। अब ये जो तीन है ना इनको इन दो के साथ आपने क्रॉस करना है, ठीक है। तो इसको हम जो दो ये जो हैं इनको हम पीछे से बैक लूप से ये देखें ऐसे इनको ऐसे पकड़ लेंगे और इसको फिर रिलीज़ करके इसको आगे लेके आएंगे, ठीक है, ऐसे। अब इन दो फंदों को हम पहले बना लेंगे सीधा और इसको हम बाद में बनाएंगे, तीनों को
खट्टा बनाएंगे पैक लुक से, ठीक है ऐसे। अब इसका रुख इधर हो गया है, इसका अब ये भी क्रॉस करेंगे, इसको हम आगे लेके आएंगे, इनको पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमने तीनों को ऐसा पकड़ लिया, और इनको जो दो हैं उनको भी आपने पीछे से ऐसे और ऐसे क्रॉस कर देना है। अब इनको पहले हम जो तीन फंदे इनको तीन का एक करेंगे बैक लूप से ऐसे, ये देखें ऐसे डिब्बी से बन गई, जैसा ये बन गई ना डिब्बी, ये वाली जैसा ये बन गई ये देखें। अच्छा, और अब हम इसको भी क्रॉस करेंगे, ठीक है। ये जो फंदे हैं इनको उधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, नहीं ये दो को सीधा बनाएंगे पहले, ये देखें दो को हमने सीधा बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको इन तीन फंदों को इनको क्रॉस करेंगे, तो ये दो जो है ना इनको पीछे से ऐसे पकड़ लेंगे, और इन जो तीन हैं इनको आगे ला के ऐसे, और इन दो को पहले बनाएंगे सीधा, एक और दो, ठीक है ये देखें। और इनको अब हम बैक लूप से तीनों का एक करेंगे ऐसे, ठीक है ये देखें। अब हम फिर इसको इस साइड पे लेके आएंगे, ठीक है। ये जो है आपने तीनों को इसको ग्रैब करना है और इसको पकड़ेंगे, लेकिन दो जो फंदे ना उनको आपने छोड़ना नहीं है, इसको ज़रा निकालना, फिर निकालना पड़ेगा ऐसे, और दूसरे को भी ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। अब इसको हम पहले दो कैक करेंगे ऐसे, ठीक है ये देखें ऐसे, और इनको बाद में सीधा बुनाएंगे, ये देखें। उसके बाद इसमें मैं बता दूं थोड़ी सी भूल ज़्यादा लगती है इस डिज़ाइन में। अच्छा, अब हमने ये दो फंदे जो हैं वो पीछे बैक साइड से उधर लेके जाने हैं, और ये जो तीन फंदे इनको इस साइड पे लेके आएंगे ऐसे, ठीक है। और इनको पहले बुन लेंगे, एक और दो, और इनको अब बुन लेंगे, तीनों का एक करेंगे बैक लूप से, ठीक है ये देखें। अब ये देखें इन तीन फंदों को हम इधर लेके आएंगे, इन दो फंदों को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो इनको पहले हमने ऐसे पकड़ लिया, उनको भी पकड़ लिया साथ, लेकिन उनको ऐसे ऐसे कर लिया, ठीक है। अब आपने इनको पहले बना लिया, तीन का एक किया, और इनको सीधे जो हैं इनको बाद में, और ये हमारा एच स्टिच उल्टा। ये हमारी सेवन्थ रो थी, ठीक है। हमारी आखिरी एट्थ रो है पूरी पर्ल करके, ये पूरी पर्ल करनी है, पूरी पर्ल करके मैं सीधी तरफ आती हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो गया है। तो अब हम जो बनाएंगे तो वो आपने इसी तरह दोबारा मतलब यहाँ पे करेंगे, तो अब ये डिब्बी जो हो यहाँ पे ऐसी बनेगी, फिर ऐसे बनेगी, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और वो आपने वन अब आपने रो वन से दोबारा स्टार्ट कर लेना, ठीक है। जिसमें हम रो वन बनाइए, उस रो वन से आप बना दोबारा बनाते जाएँ, 1 to 8 रोज जो हैं। तो ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया ये देखें। तो इसको बनाइए और मुझे अपना फीडबैक दें, अपने कमेंट्स करें, ठीक है। आपको पसंद आया कि नहीं आया, और आपने उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट बेहतरीन पैटर्न के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में शामिल रखिए। अल्लाह हाफिज़।